हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी 3 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम बीत चुका है। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्नों को पूछा गया था। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अस्त। तिरुवंतपुरम की सबसे कम उम्र की मेयर कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा आर्या राजेंद्र, जो कि 21 वर्ष की थी। ORS की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उल्टी या दस्त। अगला प्रश्न था, 2020 में नरेंद्र मोदी ने यूनिटी ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ पर किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली, राजस्थान में। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऋतुराज। अगला प्रश्न था, प्रमुख का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमुख। गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुस्से या रुष्ट हो जाना। अगला प्रश्न था, मैंने दूध पीकर स्कूल गया, इसमें त्रुटि क्या है? इसमें मैंने त्रुटि है, मैंने की जगह पर मैं होगा। अगला प्रश्न था, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा नीतीश कुमार। अगला प्रश्न था, खुल्लम नृत्य किस राज्य का है? इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न था, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1954 में। अगला प्रश्न था, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा विंबलडन। अगला प्रश्न था, मुद्रा लोन के तहत 10 लाख रुपये का लोन किस में दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तरुण का वर्ग के अंतर्गत। अगला प्रश्न था, बिहार के यूट्यूब पर 500 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किस एक्टर ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षय कुमार। अगला प्रश्न था, IPL 2020 में कौन सी 4 टीम प्लेऑफ में गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा RCB, DC, MI, हैदराबाद। अगला प्रश्न था, RBI ने रुपये के सिंबल को कब बदला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010। अगला प्रश्न था, विकृत का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकृत। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।